हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लेके आए हैं आपको IoT के यानी ओ लेवल का M4 और 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन ना तैयार करके आप सेलेक्टिव क्वेश्चन तैयार करें, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें, और जितना तैयार करें उतना सटीक तैयार करें, यानी अच्छे से तैयार करें। क्योंकि अगर आपने अच्छे से नहीं तैयार किया और वही पेपर में आ गया तो भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी तैयार करें अच्छे से तैयार करें। हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर क्वेश्चन को सही समझें, इनमें से आपको काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, यानी इनमें से कौन से एप्लीकेशन है आईओटी के। पहला हाउस, वर्चुअल एनवायरमेंट, रीजनल ऑफिस या एबव। देखिए, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो हिंदी थोड़ा सा समझने के लिए ट्रिपल रहेगा। यदि आपको हिंदी कंफर्टेबल है तो आप हिंदी समझें या फिर इंग्लिश समझें, हम दोनों तरह से आपको बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि ये सारे के सारे आपके आईओटी के एप्लीकेशन हैं। अगला क्वेश्चन है, आर द मेन कंपोनेंट इन आईओटी। आईओटी में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पहला है लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डेटा, नेटवर्क कनेक्शंस, और अगला है ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से कौन सा सही है आईओटी के कंपोनेंट। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ एबव, ये सभी कंपोनेंट आईओटी में शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक इनमें से आईओटी का कौन सा है। इंटेलिजेंस, स्केलेबल, अगला है सिक्योरिटी और हेट्रोजेनिटी, और है ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए, इंटेलिजेंस भी है, स्केलेबल भी है, और सिक्योरिटी भी है, और हेट्रोजेनिटी भी है। तो ये ऑल ऑफ एबव इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है, IPv4 डेवलप्ड इन, यानी IPv4 कब डेवलप किया गया था। बिट से भी क्वेश्चन आते हैं, कितने बिट का होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि IPv4 कब डेवलप किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर है, ऑप्शन पहले चेक कर लें, 1974, 1980, 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1974 में IPv4 को डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द IPv6 डेवलप्ड इन। अभी IPv4 के बारे में क्वेश्चन था, अब है IPv6 के बारे में कि IPv6 कब डेवलप किया गया था। पहला ऑप्शन है 1998, दूसरा 1980, तीसरा है 2000, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1998 IPv6। अगला क्वेश्चन है, द बिट ऑफ लेंथ ऑफ IPv4। IPv4 की बिट में कितने बिट की लेंथ होती है, यानी बिट की साइज अगर बताएं। ये अलग अलग क्वेश्चन आता है, बिट में, बाइट में, कैश में, अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो अभी आपको यहाँ पर बिट की लेंथ बतानी है कि IPv4 कितना होता है बिट में, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 128 बिट। तो IPv4 सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर ये होता है 32 बिट IPv4। IP अगर पूछता है, सिर्फ IP पूछता है तो भी 32 बिट IP, IPv4 32 बिट। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ IPv6। IPv6 की लेंथ कितनी होती है। पहला है 8 बिट, दूसरा 16 बिट, 32 बिट और 128 बिट। इसका सही आंसर है आपका IPv6 के लिए 128 बिट। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एड्रेस इन IPv4 इज। IPv4 में एड्रेस के कितने नंबर होते हैं ये बताना है। देखिए, IPv4 का ये क्वेश्चन है दूसरे टाइप में, तो कितने नंबर होते हैं IPv4 में। 2, 4, 2, 8, 2, 32 और 2, 128। चूंकि IPv4 32 बिट का होता है तो ये आपका 32 बिट, और कितने भाग होते हैं, कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर और 32 बिट हो गया, आंसर सी नंबर। अगला है, द नंबर ऑफ एड्रेस इन IPv6। तो IPv6 में कितने एड्रेस के नंबर होते हैं। सेम क्वेश्चन है वैसा ही, लेकिन ये IPv6 के लिए है 2, 4, 2, 8, 2, 32 और 2, 128। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, दो और 128 बिट का होता है, तो 2 128। अगला क्वेश्चन, द IPv4 हैज ए नोटेशन फॉर एड्रेसिंग। IPv4 में एक नोटेशन के लिए एड्रेस क्या क्या स्कीम इस्तेमाल करते हैं? डॉटेड, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बॉथ, ANB और इनमें से कोई नहीं। IPv4 में कैसा रहता है नोटेशन? ठीक है, जैसे दो पार्ट हैं तो उसके बीच में क्या रहेगा? दो पार्ट के बीच में डॉट होता है, हेक्साडेसिमल कोड होता है, या इनमें से दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका डॉटेड डेसिमल होता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट होते हैं और डॉट से सेपरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है IPv6 हैज ए नोटेशन, यानी IPv6 में नोटेशन क्या होता है? डॉटेड, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो IPv6 आपका हेक्साडेसिमल कोड होता है। ठीक है, ध्यान रखें, IPv6 आपका हेक्साडेसिमल कोड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द IP सेक्शन इज ऑप्शनल। द IP सेक्शन इज ऑप्शनल इन, यानी IP सेक्शन किस में ऑप्शनल रूप से होता है? IPv4 में, IPv6 में, ए और बी दोनों, और अगला है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका सिर्फ IPv4 में होता है। ठीक है, सेक्शन वाइज ऑप्शन IPv4 में होते हैं। अगला क्वेश्चन, द हेडर साइज ऑफ फिक्स इन। हेडर साइज किस में फिक्स रहता है? IPv4 में, IPv6 में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो हेडर साइज IPv6 का फिक्स होता है। इसका सही आंसर है बी नंबर, IPv6। अगला है द सेंसर क्लासेस आर कैटेगराइज इनटू बेस्ड ऑन द आउटपुट। आउटपुट के आधार पर सेंसर को कितने क्लास में बांटा गया है? 1 2 3 4 ऑप्शन के हिसाब से आप बताना है कितने सेक्शन में बांटा गया है आउटपुट के हिसाब से। तो सेंसर्स आउटपुट के हिसाब से दो टाइप में होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउटपुट के हिसाब से दो टाइप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंसर क्लास आर कैटेगराइज्ड इनटू बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। डेटा टाइप के आधार पर सेंसर कितने टाइप के होते हैं? 1 2 3 4 इनमें से बताना है। इसका भी सही आंसर है दो टाइप। तो डेटा टाइप के आधार पर भी दो टाइप के ही होते हैं सेंसर्स। अगला क्वेश्चन है द IP सेक्शन कंपल्सरी इन। IP सेक्शन किसमें कंपल्सरी होता है? IPv4, IPv6 और ए एंड बी दोनों, या इनमें से किसी में भी नहीं। इसका सही आंसर है आपका IPv6 इसमें कंपलसरी होता है, IPv6 में। अगला है अदर टाइप ऑफ एक्वेटर्स। एक्वेटर्स के कौन कौन से टाइप हैं, यानी एक्वेटर कितने टाइप का होता है? तो इसमें एक्वेटर्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से टाइप का एक्वेटर है। हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और एक्वेटर, और दूसरा है इलेक्ट्रिकल, थर्मल एक्वेटर, और तीसरा है मैकेनिकल एक्वेटर, और चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ एबव। ये सभी टाइप के एक्वेटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, द हेडर साइज इज वेरिएबल इन। हेडर साइज का वेरिएबल किस में रहता है? अभी ये एक आया था पिछले वाला क्वेश्चन, हेडर साइज किस में होता है, और दूसरा क्वेश्चन है ये हेडर साइज वेरिएबल किस में होता है? IPv4 में, IPv6 में, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IPv4। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाले रहेंगे, आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है द रैक एंड पिनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटर। देखो, रैक और पिनियन ये किस टाइप के एक्वेटर के एग्जाम्पल हैं? हाइड्रोलिक एक्वेटर के, इलेक्ट्रिकल एक्वेटर के, या मैकेनिकल, या इनमें से सभी के टाइप के हैं। इसका सही आंसर है आपका मैकेनिकल। मैकेनिकल एक्वेटर है आपका। अगला है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ MQTT। MQTT का स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, यानी कि एज ए फुल फॉर्म बताना है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा गया है। मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहेगा ऑप्शन में। आप साइज चेक करें करें। अगला है MQTT प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर। MQTT प्रोटोकॉल किस लिए डिजाइन किया गया है? पहला है लिमिटेड बैंडविड्थ के लिए, रिमोट कनेक्शन के लिए, या स्मॉल कोड फुटप्रिंट के लिए, या ऑल ऑफ एबव, सभी के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ एबव, सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है आर द कंपोनेंट ऑफ द MQTT प्रोटोकॉल। MQTT प्रोटोकॉल के कंपोनेंट क्या हैं? सब्सक्राइबर्स, ब्रोकर्स, पब्लिशर्स, या ऑल ऑफ एबव। MQTT प्रोटोकॉल के कंपोनेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव, ठीक है। ये सभी हैं सब्सक्राइबर्स, ब्रोकर्स और पब्लिशर्स। अगला है आर द MQTT मेथड्स। MQTT क्या मेथड्स क्या है? कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, या सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, पब्लिश, या ऑल ऑफ एबव। इसका है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ एबव, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब और पब्लिश। अगला है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ SMQTT। SMQTT का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही आंसर है आपका, हम सही वाला बता देते हैं, सिक्योर मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। इसको आप नोट कर लें, याद करें, ये याद करने का ही बेहतर तरीका है कि आप इसे याद कर लें कंफ्यूज होने के बजाय। अगला क्वेश्चन है फॉर रूटिंग प्रोटोकॉल्स आर यूज इन W6LoWPAN, ठीक है। W6LoWPAN में रूटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है लोडिंग प्रोटोकॉल, RPL प्रोटोकॉल, बोथ A एंड B, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है A और B दोनों, ठीक है। लोडिंग प्रोटोकॉल लोड NG प्रोटोकॉल है और RPL प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ RREQS। कम से कम एक दो फुल फॉर्म, 4 फुल फॉर्म तो आएंगे आपके। फुल फॉर्म अच्छे से तैयार करें। RREQS का फुल फॉर्म बताना है। इसको बोलते हैं रूट रिक्वेस्ट, याद रखें, रूट रिक्वेस्ट बोलते हैं RREQS, ठीक है, रूट रिक्वेस्ट। अगला है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ RREPS। देखो थोड़ा सा अंतर है, RREPS और यह है QS, तो यहाँ पर बताना है RREPS। रूट रिक्वेस्ट, रूट रिप्लाई रिक्वेस्ट, और है रूट रिप्लाईज, और नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है रूट रिप्लाईज, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ RER का फुल फॉर्म बताना है, रूट एरर रिक्वेस्ट। अगला है रूट एरर रिप्लाईज, रूट एरर, या नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है आपका रूट एरर, याद रखें, रूट एरर RERR। अगला है द RPL रूटिंग इज यूज्ड फॉर। RPL रूटिंग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? पहला है लो पावर, फिर दूसरा है लोसी, B A एंड दोनों, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है A और B दोनों, लो पावर और लोजी के लिए, ठीक है, दोनों रहेगा A और B दोनों। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LLN। LLN का फुल फॉर्म बताना है, लो लोजी नेटवर्क, लो पावर लोजी नेटवर्क, लोजी नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका लोजी नेटवर्क या फिर LLN, लो पावर लूजी नेटवर्क। B नंबर सही है, लो पावर लूजी नेटवर्क। अगला है द RPL प्रोटोकॉल सपोर्ट्स। RPL प्रोटोकॉल क्या सपोर्ट करता है? लूप डिटेक्शन को, डाटा पैथ वैलिडेशन को, या दोनों को, A एंड B। अगला है नन ऑफ एबव को, किसी को भी नहीं। इसका सही आंसर है A और B दोनों, दोनों को सपोर्ट करता है RPL प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है द ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूटिंग इंक्लूड्स। ऑप्टिमाइजेशन में रूटिंग में क्या क्या शामिल है? मिनिमाइजिंग द एनर्जी, मिनिमाइजिंग द लेटेंसी और सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट या फिर ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में रूटिंग में क्या क्या शामिल है? इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तीनों चीज सारी हैं, शामिल हैं, मिनिमाइजिंग द एनर्जी और मिनिमाइजिंग द लेटेंसी और सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट। अगला है द ऑपरेशन ऑफ द प्रोटोकॉल रिक्वायर्स लिंक, है ना, किस टाइप के लिंक के लिए प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेशंस में? अनइनडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल या इधर अनडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल या नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर है आपका बाई डायरेक्शनल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ RFID? RFID का फुल फॉर्म बताना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट, अगला है रेडियो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट और नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है द RFID टैग्स कंसिस्ट ऑफ एन, यानी कि RFID टैग्स क्या कंसिस्ट करता है? कम से कम एक एंटीना, इंटीग्रेटेड सर्किट या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका दोनों, थर्ड नंबर, एंटीना और इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स इन द ISM बैंड्स एट, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ISM बैंड में कहां से कहां तक का बैंडविड्थ ऑपरेट करता है? 4 से 2.48 गीगाहर्ट्ज तक या 4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज या 4 से 2485 गीगाहर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। ब्लूटूथ की बात हो रही है, तो ये 4 से लेकर के 2.485 गीगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, यानी ऑपरेट करता है, पहला नंबर ब्लूटूथ के लिए, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है फॉर वर्जन 1.2 द ब्लूटूथ सपोर्ट, अब ब्लूटूथ का जो नया वर्जन है 1.2 वो कितना सपोर्ट करता है? पहला है 1 Mbps डेटा रेट, दूसरा है 2 Mbps, 3 Mbps या 4 Mbps डेटा रेट, किसको सपोर्ट करता है? ये 1 Mbps डेटा रेट को सपोर्ट करता है, 1 MB/s डेटा रेट्स, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती इनकी। अगला है द Z-Waves यूज रेडियो फ्रिक्वेंसीज फॉर, Z-Waves की रेडियो फ्रिक्वेंसी किस लिए इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल, सिग्नलिंग या ए एंड बी बोथ या इनमें से कोई नहीं, Z-Wave रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसका सही आंसर है आपका कंट्रोलिंग और सिग्नल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बोथ ऑफ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ Z-Wave इन द US इज, US में किसके लिए इस्तेमाल होता है? हर्ट्ज में दिया हुआ है कि कितनी हर्ट्ज तक का इस्तेमाल होता है। पहला है 108.42 हर्ट्ज, 408.42 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में है और 608.42 मेगाहर्ट्ज या 908.42 मेगाहर्ट्ज। इसका सही आंसर है आपका 980.42 मेगाहर्ट्ज, इतनी स्पीड तक की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है यूएस में। अगला है द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ Z-Waves इन यूरोप, यूरोप में कहाँ तक की फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है? 1.84 मेगाहर्ट्ज तक या 684.2 मेगाहर्ट्ज। अगला है 608.42 मेगाहर्ट्ज या 908.42 मेगाहर्ट्ज तक, कहाँ तक इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है 868.42 मेगाहर्ट्ज यूरोप के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है द Z-Waves यूटिलिटीज क्या है? मैनचेस्टर चैनल इनकोडिंग है या GSF मॉड्यूलेशन है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? इसका सही आंसर है आपका दोनों है, ए और बी दोनों, मैनचेस्टर चैनल इनकोडिंग या GSF के मॉड्यूलेशन दोनों है। अगला क्वेश्चन है इन आरएफआईडी टैग्स द टैग्स आर, आरएफआईडी टैग्स में टैग क्या है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव और पैसिव दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है द आरएफआईडी टैग्स यूज्ड इन एसेस ट्रैकिंग या आईडी बैडिंग या पर्सनल ट्रैकिंग या ऑल ऑफ एबव, किस में इस्तेमाल किया जाता है आरएफआईडी टैग्स। तो आरएफआईडी टैग्स का इस्तेमाल सभी में किया जाता है, एसेस ट्रैकिंग में, आईडी ट्रैकिंग में और पर्सनल ट्रैकिंग में, यानी ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ HART, HART का फुल फॉर्म बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HART हम आंसर बता देते हैं सीधा, ये है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, याद रखें। अगला है द हार्ट प्रोटोकॉल ऑपरेट्स ओनली इन बैंड, हार्ट प्रोटोकॉल कितने बैंडविड्थ का इस्तेमाल करता है। पहला है 1.7 गीगाहर्ट्ज ISM, दूसरा है 1 गीगाहर्ट्ज ISM या दूसरा है 2 और तीसरा है, चौथा है 2.4 गीगाहर्ट्ज, किसका इस्तेमाल करता है। तो इसका सही है हर्ट का 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM। अगला है द कम्युनिकेशन रेंज इन NFC इज, कम्युनिकेशन रेंज इन NFC इज, NFC की कम्युनिकेशन रेंज क्या है, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 20 सेंटीमीटर से कम या 40 सेंटीमीटर से कम या 60 सेंटीमीटर से कम। तो इसका सही आंसर है आपका पहला नंबर ज़्यादा 20 सेंटीमीटर से। अगला है द डेटा ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी इन इज इन NFCs, NFCs की डेटा ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1 गीगाहर्ट्ज, 10 गीगाहर्ट्ज, 12.56 गीगाहर्ट्ज या 13.56 गीगाहर्ट्ज। इसका सही आंसर है आपका फोन नंबर 13.56 गीगाहर्ट्ज। अब आप थोड़ा सा इसी तरह के ट्रिपिकल क्वेश्चन ही तैयार करें, क्योंकि अब कई बार पेपर हो चुका है 3-4 बार, तो अब बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, नए नए क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाएंगे। अगला है द NFC ट्रांसमिट्स डेटा एट ए रेट ऑफ, जो NFC है वो कितने डेटा का रेट का ट्रांसफ़र करता है, यानी कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करता है। 212 kbps, 106 kbps, 424 kbps, इधर 212 या 1106 या 424 kbps। इसका सही नंबर है 424 kbps, 106 kbps, यानी इन सब को मिला करके इन सब की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसका सही आंसर है चौथा वाला, इधर 1.212, 1.106 या 424 kbps। अगला क्वेश्चन है द NFC टैग्स स्टोर्स बिटवीन ऑफ डेटा, NFC टैग्स किसके किसके बीच का कितने बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकता है, कितने से कितने रेंज तक का, 10 से 20 बाइट्स का, 50 से 100 बाइट्स का, 96 से 512 बाइट्स का या इनमें से कोई नहीं। तो ये 50 से 100 बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आर द मोड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ NFC, पीयर टू पीयर, रीड एंड राइट, कार्ड एमुलेशन, ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ एबव, यानी पीयर टू पीयर भी काम करता है, रीड एंड राइट का भी काम करता है और कार्ड एमुलेशन का भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है द NFC यूज्ड इन, NFC मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC यूज्ड इन किस पे यूज हो रहा है, ये बार बार आ रहा है NFC मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये 2 या इससे अधिक डिवाइसों पर कनेक्शन स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक सेट है, रूल सेट है। तो इसका आंसर है पहला पार्सल ट्रैकिंग, लो पावर होम ऑटोमेशन या स्मार्टफोन बेस्ड ऑटो पेमेंट्स या ऑल ऑफ एबव। NFC किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सभी में इस्तेमाल किया जाता है, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है The operating frequency of Z-Waves in India is इंडिया में Z-Waves की फ्रिक्वेंसी कितनी इस्तेमाल की जाती है या कितनी है? 20 मेगाहर्ट्ज, 80 मेगाहर्ट्ज या 865.2 मेगाहर्ट्ज या नन ऑफ अबव? तो इंडिया में इसकी स्पीड है 865.2 मेगाहर्ट्ज, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ GFSK? GFSK का फुल फॉर्म क्या है? ये है गॉसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसको सही से अपना तैयार कर लें, गॉसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, GFSK। अगला क्वेश्चन है द डेटा लिंक लेयर इन ISA 100.11A प्रोटोकॉल सपोर्ट किसको सपोर्ट करता है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ होपिंग या फिर है मैश राउटिंग या ARB, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीक्वेंसी होपिंग और मैश राउटिंग दोनों को सपोर्ट करता है, ARB दोनों। बहुत क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें, IAS 100.11A प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर इज इन ISA 100.11A प्रोटोकॉल आर बेस्ड ऑन? किस पर आधारित है ये प्रोटोकॉल? ISA 100.11A प्रोटोकॉल किस पर आधारित है? UDP पर या फिर TCP पर या UDP IPv6 और TCP पर या इनमें से किसी पर भी नहीं? इसका सही आंसर है UDP IPv6 और अथवा TCP पर। अगला क्वेश्चन है द टोपोलॉजीज दैट आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ISA 100.11A स्टैंडर्ड इज? किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी टोपोलॉजी का इस प्रोटोकॉल के लिए? स्टार या ट्री, मेश, ARB दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ARB दोनों, स्टार, ट्री और मेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फीचर ऑफ IAS 1000.11A प्रोटोकॉल इंक्लूड्स? ये प्रोटोकॉल है किसमें, किसको शामिल करता है? यानी फ्लेक्सिबिलिटी शामिल है इसमें, सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोटोकॉल शामिल है या फिर यूज ऑफ ओपन स्टैंडर्ड शामिल है या ऑल ऑफ द अबव, क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें शामिल हैं ISA 100.11A प्रोटोकॉल में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ WSNS? WSNS का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वायर्ड सेंसर नेटवर्क या वायरलेस सिंपल नेटवर्क या नन ऑफ अबव? इसका सही आंसर है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। अगला है द WSN रिक्वायर्ड यूनिट? WSN में रिक्वायर्ड यूनिट क्या है? पहला है सेंसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट या ऑम्निकेशन यूनिट या ऑल ऑफ अबव? तो ये सारी यूनिट नेसेसरी हैं, तो ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन है द सेंसर नोड्स आर टिपिकली स्मॉल इन साइज? किसमें स्मॉल साइज में होते हैं सेंसर के नोड्स? तो द सेंसर नोड्स आर मतलब सेंसर नोड क्या होते हैं? टिपिकली स्मॉल होते हैं साइज में या फिर कम पावर कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम लेस पावर, या कॉस्ट यानी प्राइस में कम होते हैं, या ऑल ऑफ अबव? सभी सही है। तो ये ऑल ऑफ अबव ट्रू है। ठीक है, कम पैसा यानी कम लागत के होते हैं, पावर कम लेते हैं और छोटे साइज के होते हैं। अगला है और द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सेंसर नोड? इनमें से कौन सा सेंसर नोड के एग्जाम्पल हैं? सॉइल सेंसर और नोड्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, सॉइल सेंसर नोड्स या टेम्परेचर सेंसर नोड्स या वेदर सेंसर नोड्स या ऑल ऑफ अबव? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ये सभी टाइप के नोड्स होते हैं। अगला है आर द मशीन टू मशीन? इनमें से कौन सा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है? एनवायरमेंट मॉनिटरिंग या सिविल प्रोटेक्शन एंड पब्लिक सेफ्टी या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या ऑल ऑफ अबव? इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन बताना है। तो मशीन टू मशीन में ये तीनों टाइप के जाते हैं, यानी ऑल ऑफ एबव। अब अगला क्वेश्चन, पहले अपने से क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करें, फिर हम आंसर तो बता ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द M2M मशीन टू मशीन नोट्स और ऑफ टाइप्स, यानी मशीन टू मशीन में कितने टाइप के नोट्स होते हैं। 1 2 3 4। तो मशीन टू मशीन में 3 टाइप के नोट्स होते हैं। ऑप्शन थर्ड सी से ट्रू है, सही है मतलब। अगला है द लो एंड सेंसर नोट्स आर, लो एंड सेंसर कैसे होते हैं, चीप होते हैं, स्टैटिक होते हैं, सिंपल एनर्जेटिक एफिशिएंट होते हैं, या ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ एबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मिड एंड सेंसर नोट्स आर, मिड एंड सेंसर क्या होते हैं, चीप होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं, नोट्स में हैव मोबिलिटी होती है इनमें, या फिर A, B एंड C दोनों। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, यानी मोर एक्सपेंसिव और नोट्स में है मोबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 4 डी। अगला है आर द कंपोनेंट ऑफ द M2M के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, डिवाइस प्रोवाइडर्स या ISPs या प्लेटफॉर्म एंड सर्विस प्रोवाइडर्स या सर्विस यूजर्स या ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है द एंटीना इन सिंगल UAV सिस्टम इज, सिंगल UAV सिस्टम में एंटीना क्या है, ओमनी डायरेक्शन होता है या डायरेक्शनल रहता है या बाय डायरेक्शनल रहता है या नन ऑफ एबव रहता है। इसका सही आंसर है ओमनी डायरेक्शन। अगला है द एंटीना इन मल्टी UAV सिस्टम इज, यानी मल्टी UAV सिस्टम में कैसा रहता है, ओमनी डायरेक्शनल या डायरेक्शनल या बाय डायरेक्शनल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डायरेक्शनल, यानी सीधी डायरेक्शन में दिया जाता है। अगला है द स्केलेबिलिटी इज लिमिटेड इन सिस्टम, ठीक है, किस सिस्टम में स्केलेबिलिटी लिमिटेड होती है, सिंगल UAV, मल्टी UAV या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सिंगल UAV। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए हमने PDF वगैरह दे रखी है, आप प्लेलिस्ट में जा करके, और पिछले वाले पेपर्स वगैरह भी आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जा करके आप अलग अलग देख सकते हैं। अगला है द स्केलेबिलिटी इज हाई इन सिस्टम, ठीक है, किस टाइप के सिग्नल में हाई रहता है स्केलेबिलिटी, सिंगल UAV में, मल्टी UAV में या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। UAV मतलब होता है अनडेम्ड एरियल व्हीकल। तो ये अगला क्वेश्चन है ये द सर्वाइवेबिलिटी इज पुअर इन सिस्टम, किस टाइप के सिस्टम में सर्वाइवेबिलिटी कमजोर रहती है, सिंगल UAV में या मल्टी UAV में। अब इस पहले वाले क्वेश्चन का ये जस्ट उल्टा है, सिंगल UAV, मल्टी UAV, ए और बी बहुत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सिंगल यूएवी, ठीक है, किसमें हाई रहता है तो मल्टी वाले में, और किसमें पुअर रहता है तो सिंगल वाले में। अगला है सिस्टम कॉस्ट इज मीडियम, किस टाइप के सिस्टम की कॉस्ट मीडियम आती है, सिंगल यूएवी वाले के, मल्टी यूएवी के या फिर इनमें से दोनों के या इनमें से किसी के नहीं। तो सिंपल सी बात है कि सिंगल वाले सस्ते पड़ते होंगे, तो इनकी जो कॉस्ट होती है सिंगल यूएवी वाले की वो कम होती है। अगला है ये इनका इस्तेमाल ज़्यादातर एरोप्लेन्स वगैरह में किया जाता है, UAV वगैरह का। अगला है द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज हाई इन सिस्टम, किस टाइप के सिस्टम में बैंडविड्थ हाई रिक्वायर होती है, यानी हाई की जरूरत होती है, सिंगल UAV में, मल्टी UAV में या फिर ए एंड बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो नंबर ए ऑप्शन सिंगल UAV में बैंडविड्थ इसकी हाई रहती है। अगला है आर द UAV नेटवर्क कॉन्स्ट्रेंट्स कौन से यूएवी नेटवर्क कांस्टेंट हैं? इसका पहला आंसर है फ्रिक्वेंटली लिंक ब्रैकेट्स या प्रोन टू मेल फंक्शंस या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, फ्रिक्वेंटली भी होते हैं और प्रोन टू मेल फंक्शन होते हैं। अगला है आर द एडवांटेज ऑफ यूएवी नेटवर्क। इनमें से कौन से यूएवी नेटवर्क के फायदे हैं, एडवांटेज हैं? हाईली रिवेबिलिटी होते हैं या सर्वेबिलिटी इज हाई होती है, यानी सर्वेबिलिटी इसकी हाई होती है। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है आपका इनमें से सभी, ऑल ऑफ एबव। अगला है द स्टार टोपोलॉजी इन द यूएवी नेटवर्क इज। यूएवी नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी किस टाइप का होता है? 1, 2, 3 या 4 कितने टाइप में करेक्टली किया जाता है? इसका सही आंसर है आपका 2 टाइप में करेक्टली किया जाता है। अगला है द मेश टोपोलॉजी इन द यूएवी नेटवर्क इज कैटेगराइज इनटू। मेश टोपोलॉजी को यूएवी नेटवर्क में कितने भागों में कैटेगरी किया जाता है? 1, 2, 3, 4। तो इसको भी 2 भागों में, यानी 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। अगला है द मेश टोपोलॉजी इन द यूएवी नेटवर्क आर। जो मेश टोपोलॉजी है वो यूएवी नेटवर्क में कैसा रहता है? मोर सिक्योर रहता है, रिलायबल रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है या ऑल ऑफ एबव रहता है? इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ एबव। अगला है द स्टार टोपोलॉजी इन ए यूएवी नेटवर्क इज। स्टार टोपोलॉजी यूएवी नेटवर्क में कैसा रहता है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन देता है, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन देता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन देता है। क्वेश्चंस ध्यान रखें बिल्कुल सटीक से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ FANET। FANET का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही फुल फॉर्म है फ्लाइंग एड हॉक नेटवर्क। FANET इंपॉर्टेंट है ये। अगला व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ MANET और ये है FANET। तो इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। ठीक है, इसका है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। अगला है आर द कंपोनेंट्स ऑफ MWSN। MWSN के कंपोनेंट क्या है? मोबाइल सेंसर नोड्स, डेटा म्यूल्स, मोबाइल सिंक या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों ये हैं। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर। अगला है इज एन एप्लीकेशन ऑफ अंडर वाटर MWSN। अंडर वाटर MSNW के एप्लीकेशन क्या है, इन्हें बताना है। मॉनिटरिंग, माइनिंग लाइफ या वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग या सर्विलांस या ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर है आपका मॉनिटरिंग मरीन लाइफ। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन से पता चल रहा है अंडर वाटर ना, तो मरीन वगैरह अंडर वाटर। इसका फुल फॉर्म होता है मैनेज्ड वर्कप्लेस सर्विस एंड नेटवर्क्स। MWSN मैनेज्ड वर्कप्लेस सर्विस एंड नेटवर्क। अगला है इज एन एप्लीकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल MWSN। इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल टेररिस्ट के लिए एप्लीकेशन है जो MWSN में उपयोग होता है? मॉनिटरिंग मरीन लाइफ या वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग या वाटर क्वालिटी या ऑल ऑफ एबव। इसका है वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग अगर है तो उसको कहेंगे कि टेरेस्ट्रियल के लिए एप्लीकेशन है MWSN का। अगला है इज एन एप्लीकेशन ऑफ एरियल MWSN। ठीक है, एरियल MWSN का कौन सा एप्लीकेशन है? मल्टीमीडिया डाटा गैदरिंग या वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग या वाटर क्वालिटी या ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है मल्टीमीडिया डेटा गैदरिंग। अगला क्वेश्चन है, आर द चैलेंजेस इन ह्यूमन सेंट्रिक सेंसिंग। इनमें से कौन सा चैलेंज है ह्यूमन सेंट्रिक के लिए, ह्यूमन सेंट्रिक सेंसिंग के लिए कौन सा चैलेंजेस है? प्राइवेसी ऑफ यूजर्स, पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिलेक्शंस, एनर्जी ऑफ डिवाइसेस या ऑल ऑफ एबव। तो ये सभी का जरूरत है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऑल ऑफ एबव। अगला है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए यूएवी नेटवर्क। यूएवी का नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने पीछे बताया था इसका फुल फॉर्म, अननेम्ड एरियल व्हीकल्स। अगला क्वेश्चन है, द कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड इन। कंप्यूटेशनल जो कैपेबिलिटी है वो कम रहती है, लिमिटेड रहती है ना, किसमें? आईओटी में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, ए और बी दोनों में, या इनमें से सभी पे। इसका सही आंसर है आपका आईओटी में। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरेज इन लिमिटेड इन आईओटी। आईओटी में कहाँ पर स्टोरेज इन लिमिटेड इन, किसमें स्टोरेज लिमिटेड रहता है? आईओटी में, या क्लाउड कंप्यूटिंग में, या ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, आईओटी में लिमिटेड होता है इसमें स्टोरेज। अगला है, द आईओटी इज ए बेस्ड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर बेस्ड, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला करके ही डिवाइसें चलती हैं, आईओटी की डिवाइसें हो या कोई भी हो, ठीक है। तो दोनों के बेस से है ये टेक्नोलॉजी। अगला है, M2M इज ए बेस्ड टेक्नोलॉजी। M2M जो है वो कैसी है, हार्डवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, या इनमें से दोनों है? तो ये भी बहुत है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मिला करके चलता है। अगला है, इन M2M द कम्युनिकेशन टाइप इज। M2M में कम्युनिकेशन टाइप क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, या ए एंड बी, नन ऑफ एबव। पॉइंट टू पॉइंट पहला आंसर इसका सही है M2M में। अगला है, द M2M इज स्केलेबल देन IoT। M2M ज्यादा स्केलेबल है IoT की जगह, किसमें? हाईली, लेस, वेरी हाई, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कम है, लेस। अगला है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ M2M। इनमें से कौन सा M2M का एक एग्जाम्पल है? रिमोट मॉनिटरिंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ एबव। मशीन टू मशीन के लिए पूछा जा रहा है, तो ये है रिमोट मॉनिटरिंग, ठीक है। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्रीकल्चर आपका आईओटी का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी। रिमोट मॉनिटरिंग, स्मार्ट सिटी और फ्लीट कंट्रोल, या ऑल ऑफ एबव। तो अभी अभी हमने बता दिया स्मार्ट सिटी किसका आईओटी का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन, इन M2M द बिजनेस टाइप इज। M2M में बिजनेस टाइप क्या है? B2B, B2C, बोथ A एंड B, या नन ऑफ एबव। तो इसका है B2B। M2M में बिजनेस टाइप है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अगला है, इन IoT द बिजनेस टाइप इज। IoT में बिजनेस टाइप क्या है? B2B, B2C, बोथ A एंड B, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों है, B2B और B2C। IoT में सब तरह की डिवाइसें होती हैं, कस्टमर और बिजनेस के बीच सारी तरह की, तो B2B भी और B2C भी। अगला है, द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज इन M2M। M2M में जो टेक्नोलॉजी है वो किधर माइग्रेट होती है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, या पैरेलल, या नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, वर्टिकल। Which what is the standard form of SDP? SDP का standard form क्या है, यानी full form बताना है SDP का। इसका सही full form हम बता देते हैं कि यह है Service Discovery Protocol, SDP, Service Discovery Protocol। अगला है, what is the standard form of L2CAP का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? L2CAP लॉजिकल लिंक कंट्रोल एड एडाप्शन, अगला है लिंक कंट्रोल एड एडाप्शन, अगला है लिंक लॉजिकल कंट्रोल एड एडाप्शन, या इनमें से इसका सही आंसर आपको मिलेगा पिन कमेंट में। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं तो पिन कमेंट में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ये थे हमारे आज के IoT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस। क्वेश्चन अगर आप चाहें तो नोट कर लें, कुछ क्वेश्चन फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, कुछ क्वेश्चन आप तैयार कर लें, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप याद कर लें, लेकिन तैयार जरूर कर लें, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। और कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करें, अदरवाइज ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर पुराने हिंदी इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए